एक और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में जेएमएम ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है। जेएमएम ने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बरहेट से सीएम हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे और दुमका से बसंत सोरेन जेएमएम उम्मीदवार रहेंगे। चाईबासा से दीपक बिरुवा को टिकट दी गई है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जेएमएम की पहली लिस्ट कौन कौन से नाम है। पहली लिस्ट में 35 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। पूरी जानकारी पहली लिस्ट को लेकर, जेएमएम की पहली लिस्ट में 35 उम्मीदवारों का नाम है। बरहेट सीट से सीएम हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में उतरेंगे और इसके अलावा गांडे सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को टिकट दिया गया है। गांडे सीट से मौजूदा विधायक है कल्पना सोरेन, उन्हें यहां से एक बार फिर से टिकट दिया गया। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ेंगे। तो 35 उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है उसमें आपको बता रहे हैं, परिवार के कुल मिलाकर 3 लोगों को पहली लिस्ट में जगह मिल गई है। गठबंधन के तहत अगर बात करें तो जेएमएम 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 14 अनुसूचित जनजाति, 5 अनुसूचित जाति के जो उम्मीदवार हैं वो भी घोषित किए गए। 35 कैंडिडेट्स में 3 महिलाओं को और 3 मुस्लिमों को टिकट मिला है। तो 35 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसमें क्या खास बात है वो आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने 66, कांग्रेस ने 21 कैंडिडेट्स का अभी तक ऐलान कर दिया है। ये जानकारी भी आपके लिए जानना जरूरी है।